राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे मैच में थर्ड अंपायर के एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन से काफी बवाल हो गया। दरअसल संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक बड़ा शॉट खेला और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार गिरने ही वाली थी, लेकिन शाई होप एकदम बाउंड्री से चिपक कर खड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने आसानी से कैच पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा लड़खड़ा गए और उनका पैर बाउंड्री लाइन के एकदम पास से गुजरा। काफी करीबी मामला होने की वजह से थर्ड अंपायर भी एक्शन में आ गए, लेकिन फुटेज में क्लियर नहीं हो पा रहा था कि फील्डर का पैर बाउंड्री पर टच हुआ है या नहीं। थर्ड अंपायर ने सिर्फ एक ही एंगल से फुटेज को देखा और जल्दबाजी में संजू सैमसन को आउट दे दिया, जिसके बाद संजू सैमसन और कुमार संगकारा काफी गुस्से में आ गए। कमेंटेटर्स भी थर्ड अंपायर के इस डिसीजन पर नाराज दिखे। उनका मानना था कि थर्ड अंपायर को थोड़ा और समय लेना चाहिए था और एक दो अलग अलग एंगल से चेक करके श्योर करना चाहिए था कि संजू सैमसन आउट हैं। उस समय संजू सैमसन 86 रन पर बैटिंग कर रहे थे और उनका विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स ये मैच 20 रन से हार गई।